नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं फातिमा अली खत BTS न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। उत्तर प्रदेश मऊ से आइए देखते हैं मोहम्मद रेहान की क्या रिपोर्ट है। उत्पीड़न हम लोगों का किया जा रहा है, कोरोना में मदद नहीं आप किसी की कर पा रहे हैं। आप लोग घर ढावाने करके उतरवाने, ये आप लोगों के जिम्मे काम रह गया है और कोई आप लोगों के जिम्मे तो काम है नहीं। डीएम साहब से हम लोग मिलेंगे तभी जाएंगे, यही बैठेंगे हम लोग। हाँ, आप जाने के बदले और जा देंगे। आदेश वही किया। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैं तू तक मैं तू देवेंद्र सिंह के सामने बैठा हूँ न्याय के लिए। अपने 5,500 युवा जिला जज प्रिंस सिंह के पिताजी बंटवारे में बाप दादा से जमीन मिली हुई, 82 में बंटवारा हुआ था उसमें जमीन मिली हुई थी, उसमें घर बना के 5,500-600 साल से लोग रहते थे। आज कोरोना जब से हुआ है, जब से कोरोना में एक साल से चल रहा है, तब से डायरेक्ट डीएम साहब और ये आदेश कर दिया घर गिरवाने का। न कोई जांच, न कोई नापी, कुछ नहीं हुआ। सिर्फ माफियाओं के दबाव में ये लोग आकर के कुछ अधिकारियों को बचाने के लिए क्या कह रहे हैं लोग। अब ये लोग जो है कहते हैं कि पोखरी में घर है। अरे आप नापिए, आप हम लोग तो कहते हैं कि आप नक्शे के हिसाब से नाप दीजिए जमीन को। अगर गलत मैं हूँ तो मैं खुद हटा लूंगा, मैं खुद हटने के लिए तैयार। जो भी सजा मुझे दिया जाए वो मैं वाजिब है, मैं तैयार हूँ लेने के लिए। क्या मतलब किसके कहने पे किया होगा इस तरह से? अब ये कुछ अधिकारी, जब पुराना नक्शा गायब हो गया, पुराना नक्शा गायब हो गया, लिखे दिया लिखिए तो बगैर नक्शे की कार्रवाई हो रही है। देख लीजिए, ये पुराना नक्शा हमको मांगने गया तो इसमें हमको नक्शा बोल दिया गया कि नक्शा यहाँ है, ये नहीं, गायब है। तो कार्रवाई कैसे देख रहे हैं, प्रताड़ित किया जा रहा है? क्या प्रताड़ित किया जा रहा है, क्या वजह है इसके? अब तो ये अधिकारियों को, कुछ अधिकारियों को, अधिकारी का तो नुकसान करता नहीं है। पुराना नक्शा गायब हो गया, नए नक्शे पर जो है वो अधिकारी SDM और तहसीलदार पुराने जो मिल करके अब कुछ नक्शा को माफियाओं के द्वारा उल्टा सीधा इधर उधर का बना करके और पेश कर दिया, उसी पर पूरा खरमंडल मचा। कौन माफिया है? अब तो अधिकारी जानेंगे ना कौन माफिया है। अब हम लोग चिन्हित तो किए नहीं है किसी। तो क्या मांग कर रहे हैं अभी आपको? अभी हमारे यहाँ अब ये भी बहुत सबसे बड़ी विडम्बना की बात है कि हमारे घर, मेरे जिला अध्यक्ष के घर 4 तारीख को इसके बहन की इसी 4 तारीख को शादी है, घर में पुराना करकट लगाया हुआ चूरा था। ये सब लोग देखे भी हैं, सब लोग वीडियो भी चली है। पुराना करकट हटाया गया और उस पर नया करकट रख दिया गया शादी के नाते कि भाई अब आएंगे लोग तो कहाँ रहेंगे, बरसात और धूप होने लगेगी तो। और वो जा करके SDM तहसीलदार और थाना सरल खनसीयसो ये मिल करके ये अपने स्वयं चढ़ करके ढाक दिए लोग। क्या मांग कर रहे हैं वो? हम लोग मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को न्याय मिले, हमारा करकट गिराया हुआ जा करके प्रशासन रखवा दे। इसी के साथ ही ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।